Hello guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are good. So in today's video, मैं एक product review करने वाली हूँ and इससे पहले मैंने कई सारे videos upload किए हैं product review पे and कई सारे हैं आप लोग मेरे channel पे जाके देख सकते हो and I hope कि आपको videos देख के मजा आएगा. तो specially आज के इस video पे मैं एक product review करने वाली हूँ जो कि है from खादी and by the way मैंने खादी से कई सारे products मैंने पहले भी review किए हुए हैं. अगर नहीं देखा है तो description पे आप देख सकते हो, नहीं तो मैं आई बटन में भी दे दूंगी. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगने वाला है. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. सो आज के इस वीडियो पे पर्सनली मैंने जो परचेज किया है फ्रॉम खादी वो है एक फेस वॉश एंड एक मॉइस्चराइजर. मैं बहुत दिनों से सर्च कर रही थी कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि इफेक्टिव भी होगा एंड थोड़ा अच्छा होगा एंड हर्बल होगा जो कि स्किन के लिए बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा. तो फाइनली मैंने परचेज कर लिया है फ्रॉम खादी. मैंने एक फेस वॉश एंड एक मॉइस्चराइजर परचेज किया है जो कि यहाँ आप देख सकते हो. ये वाली दोनों चीज मैंने परचेज की है. सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ इस फेस वॉश की तो आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है. क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड अगर आप चाहते हो कि आपके स्किन पे कोई भी केमिकल आप यूज़ ना करो तो आप डेफिनेटली इस पर जा सकते हो. सबसे पहली बात मैं करना चाहूंगी कि ये एक हर्बल प्रोडक्ट है एंड इसकी पैकेजिंग भी आप देख सकते हो काफी क्वालिटी मेंटेन की है उन्होंने. आई थिंक खादी के जो पैकेजिंग है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको मैंने यूज भी किया और आपके साथ रिव्यू भी शेयर किया है उनका भी पैकेजिंग मुझे काफी हद तक अच्छी लगी एंड इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी लगी जो कि एक अच्छी चीज है. एंड दी सेकेंड इज इसकी जो पैकेजिंग का जो स्टाइल है वो भी काफी अच्छा है क्योंकि आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो. ट्रेवल फ्रेंडली भी है. आप देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप की सिस्टम आती है जिससे कि आप अगर थोड़ा सा ऐसे लोगे तो आपको जितना अमाउंट चाहिए आप उतना ही ले सकते हो. वैसे तो यहाँ पे वेरियंट्स बहुत सारे थे बट मैंने जो लिया है वो है ये सैंडलवुड एंड हनी. आप देख सकते हो. सो इसको परचेज करने के बाद मैंने इसको सिर्फ एक महीने ही यूज किया था क्योंकि इसको यूज करने के बाद मैंने फील किया कि मेरा जो स्किन है वो बहुत ड्राई है. वैसे तो मुझे पता ही था कि मेरा स्किन ड्राई है. इसको यूज करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा स्किन और ज्यादा ड्राई हो रहा है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. मुझे बहुत इरिटेट फील होता था. बात उसको छोड़ के अगर मैं और चीज की बात कर लूँ तो मेरे स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट कुछ नहीं था. बस हाँ ये मेरे स्किन को थोड़ा ड्राई कर रहा था. तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ ये ऑयली स्किन वालों के लिए, अगर आपका स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तो आप ये वाला यूज कर सकते हो. इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल हनी जैसा है. यहाँ पे लिखी हुई है कि ये हनी बेस्ड है तो इसका जो टेक्सचर है वो मैं आपको थोड़ा दिखा देना चाहूंगी. टेक्सचर इसका बिल्कुल हनी बेस्ड है एंड इसको आपको इस तरीके से कुछ लगा लेना है अपने पूरे फेस पे और इसको आपको अच्छे से रब करना है कुछ इस तरीके से. वैसे तो मैं इसको भी लगा रही हूँ, मेरे स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने आपको कहा ही है कि सिर्फ ये आपको आपका स्किन जो है वो ड्राई बना देगा अगर आपका स्किन ऑलरेडी ड्राई है तो. वरना आपका स्किन अगर बहुत ऑयली है तो आप इसको ईजिली यूज कर सकते हो. इसकी पैकेजिंग में साफ साफ लिखी हुई है कि ये हमारे पूरा जो स्किन का कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके स्किन से जुड़े कोई इश्यूज है तो उसको बिल्कुल हटा देगी. तो आप इसको बेझिझक यूज कर सकते हो. इसमें जो क्वांटिटी है वो है 210 ml की. तो ये काफी ज्यादा क्वांटिटी है इस प्राइस रेंज पे. तो मुझे लगता है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कोई भी हर्बल प्रोडक्ट पे तो आप ये वाला जरूर परचेस कर सकते हो. वैसे इसमें लिखी हुई है कि ये फॉर ऑल स्किन टाइप है बट अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है तो आप प्लीज इसको स्किप कर दो. अगेन ये जो मॉइस्चराइजर है ये फॉर ऑयली स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है. मैंने इसको यूज करा एंड करने के बाद मेरा जो स्किन है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इरिटेशन मुझे होने लगी. उसके बाद मैंने फील किया कि नहीं मुझे इसको एक महीने तक यूज करना चाहिए एंड मैंने इसको 1 month तक यूज किया कंटिन्यू एंड देन आई फील कि मुझे ये बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए यूज करना. बट मेरे हस्बैंड का जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ऑयली है तो वो उसने इसको स्टार्ट किया है. आप देख सकते हो वो अपने फेस पे इसको लगा रहा है एंड उसका स्किन जो है बहुत ज्यादा ऑयली है. उसके बाद जो है उसने इसको अच्छे से रब किया एंड करने के बाद उसने मुझे खुद रिजल्ट बताया कि उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है. एंड आप देख सकते हो उसका जो स्किन है वो बहुत ज्यादा शाइनी है, वो शाइन कर रहा है. इसका मतलब यही है कि उसका स्किन जो है बहुत ज्यादा ऑयली है. अगेन यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 210 ml की हैंड क्वांटिटी काफी अच्छी हद तक है और इसका जो प्राइस रेंज के हिसाब से इनकी जो क्वांटिटी है मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी. इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी है एंड
ओवरऑल ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो मुझे काफी अच्छी लगी है, बट मेन बात यही है कि मेरे स्किन टाइप का ये नहीं है, बट अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने की अगर प्राइस रेंज की बात कर लूँ तो मुझे प्राइस रेंज अच्छे से याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन पे प्राइस रेंज वगैरह सब कुछ डिटेल में लिख दूंगी। अगर आप चाहो तो आप मेरे दिए हुए लिंक से भी परचेज कर सकते हो, वरना आप कोई भी साइट पे जाके आप परचेस कर सकते हो। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत जल्द मिलेंगे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय।